नमस्कार, मैं रोहित महाजन 4 सितंबर की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSME निर्यातों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? तो बिल्कुल जी, अगर हम बात करें अमेज़न, इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2023 में GST संग्रह कितना प्रतिशत बढ़ाकर 1.59 लाख करोड़ के पार पहुँच गया है? ठीक है, तो अगर हम बात करें 11% बढ़कर, है ना, तो 1.59 लाख करोड़ जो है ये इंक्रीज हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो बिल्कुल जी, मुंबई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या होता है ऑपरेशन मुस्कान? लापता बच्चों को खोजने और पुनर्वास के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेशन मुस्कान। तो अगर हम बात करें, मैकडॉनल्ड्स ने भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरा का अनावरण मुंबई में किया। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाइकलैंड मुंबई में शुरू हुआ। मुंबई में बाइकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। तो बिल्कुल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी कौन करेगा? तो बिल्कुल केरला इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होती है जायद चैरिटी? तो अगर हम बात करें, ये धर्मार्थ के जितने भी कार्य किए जाते हैं तो इस चैरिटी के अंदर जो है किए जाते हैं। तो बात करें केरल की, केरल की जो है कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और CM है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ओणम सबसे शुभ दिन थिरु ओणम केरल में मनाया गया। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च की। केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। केरल सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का आह्वान किया है। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एक नई ऐप जो है लॉन्च की है। तो केरल को विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के अनुकरण प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पर आया? तो बिल्कुल जी, MP मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल शीर्ष पर आया है। बात करें मध्य प्रदेश की, भोपाल यहाँ की कैपिटल है। CM शिवराज चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, है ना, पंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, पंगू भाई सिंह पटेल, है ना। तो अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है। MP के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सिको कुमाऊं योजना का शुभारंभ MP में किया गया। उन्मेक्षा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन भोपाल में किया गया। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी MP में खोली गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में पुरातत्व विवादों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो बिल्कुल जी, पेरू में जो है 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता जो है लगाया जा चुका है। तो बात करें पेरू की, कैपिटल है लीमा, ठीक है, और करेंसी है पेरूबियन सोल और प्रेसिडेंट है टीना ओलू आरडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दींगा गांव रेलवे स्टेशन नाम को मंजूरी दे दी है? तो बिल्कुल महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बात करें महाराष्ट्र की, कैपिटल है मुंबई, एकनाथ शिंदे यहाँ के CM है, रमेश वैंस यहाँ के जो है गवर्नर हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो बिल्कुल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, ठीक है, जो भी आपके एजुकेशन के रिलेटेड हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर की वीडियो अगर हम बात करें, ये क्या करंट अफेयर क्या होते हैं, जिसमें डेली न्यूज़ आ जाती हैं, जो भी आपका करंट चल रहा है, ठीक है, वो कवर हो जाता है। तो ये वीडियो हर कोई देख सकता है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में ये काम आएगी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
हाल ही में किसे दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? तो बिल्कुल जी, भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब जो है बनाया है। तो बात करें अपने देश भारत की, भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदक शीर्ष पर रहा है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र सरकार में स्थापित किया जाएगा। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में शी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो बिल्कुल जी, माधुरी पटेल को जो है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खाब जो है पहनाया गया है, ताज पहनाया गया है। तो माधुरी पटेल जी की बात करें तो इन्हें जो है ये ताज पहनाया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियान सेन को मिला है। मिस यूनिवर्सल नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की बैलरी बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी जी को मिला है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है? डॉक्टर सुधा गुप्ता ने जो है ये पदभार संभाला है। तो VL कांता ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार मनीष देसाई ने ग्रहण किया है। FTII के अध्यक्ष के रूप में R माधवन को नामांतरित किया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। FIDC के अध्यक्ष उमेश पेवंकर बने हैं। इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में JNV रमना को नियुक्त किया गया है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत ने किस देश की टीम को हराकर FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई किया है? तो बिल्कुल जी, पाकिस्तान इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बात करें पाकिस्तान की, इस्लामाबाद यहाँ की जो है कैपिटल है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। तो कार्यवाहक PM अनवर उल हक बने हैं। तो प्रेसिडेंट आरिफ आलवी जो है यहाँ के हैं। तो गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन को प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। अनवर उल हक कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। पाकिस्तान के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। पाकिस्तान को $3 अरब के IMF वेल आउट पैकेज की शुरुआती मंजूरी मिल गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में UPI ने भारत में कितने मिलियन मासिक लेनदेन की ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो बिल्कुल जी, 10 मिलियन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हाल ही में किसने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है? तो बिल्कुल अगर हम बात करें फ़ोन पे की है ना, तो फ़ोन पे ने जो है एक नई ऐप लॉन्च की है, शेयर मार्केट। ठीक है, ये एक अलग ऐप है। तो इस ऐप में जो है आप जो है स्टॉक खरीदने और बेचने की जो है कोई भी जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो बात करें फ़ोन पे की, 2015 में फ़ोन पे की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और करंट CEO समीर निगम जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है? तो बिल्कुल हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जी ने मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की, यानी कि कोई भी कार नहीं चलेगी मंगलवार, हर मंगलवार है ना। तो जो भी है वो बाकी जो भी आपके साधन होते हैं उसका यूज़ करके कहीं भी जा सकते हैं, पर कार जो है मंगलवार को नहीं चलेगी। तो बात करें हरियाणा की, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के CM हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के जो है गवर्नर हैं। तो हरियाणा के नए DGP के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विदुर अवैध लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा ने भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई है। तो बिल्कुल जी, अब हम डिस्कस करेंगे जो आपको होमवर्क दिया गया था।
तो ये था आपका होमवर्क। हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है? तो बिल्कुल जी, एकता कपूर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो अब हम आपको होमवर्क जो देना है उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल जी, आपका होमवर्क है, हाल ही में CCI ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय की मंजूरी दी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं स्टडी के उनमें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी कंपटीशन एग्जाम के ग्रुप है उनमें भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।